काम है तो मेरे बहुत से कैटल फार्म है, लेकिन मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में भी एक मेरा कैटल फार्म होना चाहिए। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है, मैं आपके ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यूएसए में अपना सिस्टम और सेटअप होता होगा, मुझे क्या मालूम, मैं तुम्हारा कभी गए नहीं, मगर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा सेटअप है इसका। पापा यहाँ तो लोग अपनी ब्लैक मनी व्हाइट करते हैं, व्हाइट। लेकिन मेरी तमाम दौलत व्हाइट मनी है भाई। नहीं मेरा मतलब कि लोग ब्लैक मनी व्हाइट करते हैं। पापा मैं आपका बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये बिजनेस खोल के दिया। मेरा बचपन से बड़ा शौक था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ, मगर पापा ने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। पापा ने अगर भरोसा कर भी लेते तो ये पैसे कहाँ से लाते अश्मत कंगले? अरे वाह भाई, किस कंगले का जिक्र हो रहा है? तुम्हारा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे बंगले का जिक्र हो रहा है, बंगला। हाँ भाई, इस बिजनेस से जब करोड़ों रुपए कमाएंगे तो सब लोग बंगले खरीदेंगे, और नहीं तो क्या। अरे भाई, वो पोस्टर का क्या हुआ जो हमने पैसे दिए थे इतने सारे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ ना यार, देखते ही दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखो तो सही है, देखो ये, देखो ये पकड़ो, देखो अश्मत कैटल फार्म। ये हशमत कैटल फार्म, अरे भाई यहाँ तो अलाउद्दीन एंड सन्स होना चाहिए था। तुम्हारा बेटा कब है? ये रहा ना। अरे भाई, ये तो कहने वाली बात है, कोई असली बेटा थोड़ी तुम्हारा। अब क्या झूठ बोल के जानवर बेचोगे अलाउद्दीन एंड सन, इसलिए मैंने ये लिखवाया। अरे यार झूठ है सर, पर यार नाम तो पापा का ही होना चाहिए था ना। हाँ तो तुम्हारे बाप का ही नाम लिखा है हशमत कैटल फार्म। पापा पापा पापा। अरे भाई, जब मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ सारे कस्टमर मेरे नाम से आएंगे, अलाउद्दीन को जानता कौन है, इसलिए मैंने अपना नाम छपवाया था, और कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये मार्केटिंग वाला मुआहदा मैंने आपसे कब किया? अरे भाई, रात को जब मैं तुम्हारे पास आया था तुम सोने लटके थे, मैंने कहा था मार्केटिंग में देख लूं, तुमने कहा था हाँ डन डन कर दो, हो गया था। वो आया, वो कौन? मैं इससे क्या करना, दूसरों के मामला में टू लेते हो। हाँ भाई अलाउद्दीन, एक बात सुन लो, जो कस्टमर मेरे रेफरेंस से आएगा उसमें मैं 10% कमीशन लूंगा, अब फिरोज जो कस्टमर लेके आएगा उसमें जो मैं कमीशन देना है वो तुम देख लो। क्या 10%? अरे भाई, करोड़ों का जानवर बेच रहे हो, 10% देते हुए मौत आ रही है, बिल्कुल भाई चुड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। और बाकी सामान लेकर आया वो कौन? अरे भाई क्या बोला था, ये भाई देख लो कहाँ लगाना है, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, चलो यहाँ से। राम मेरा। अरे यार, मतलब एक तरफ पापा ने अपनी तस्वीर लगाई है, दूसरी तरफ अगर आपकी लग जाती तो क्या बुरा होता? कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कैसे पता चलता है हम बेच क्या रहे हैं? अच्छा वो क्या कहते हैं बेटा, ये मुझे सारे बैल नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेडीज लेडीज अलग है। लेडीज गाय गाय गाय। जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को बताया, बात समझ में आ गई है ना? कोई मसला तो नहीं है? बस समझ तो आ गया है, लेकिन बड़ा रिस्की काम है, कोई टेंशन ना हो जाए। टेंशन नहीं है, उल्टा तुम दोनों को अजर मिलेगा। गाजर मिलेगा? गाजर नहीं मिलेगा, अजर मिलेगा, अजर। अच्छा मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये बताओ करोड़ों रुपए का कोई जानवर होता है? होता है? नहीं होता भाई, ये सब फेक प्राइसेस होते हैं, मार्केट को जानबूझ के ऊपर लेके जाते हैं। नमूद नुमाइश का कल्चर पड़ गया है, लोग कुर्बानी को दिखावा बना दिया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रेस लगी हुई है। इसमें अगर तुम इनके पैसे छीन कर गरीबों में तकसीम करोगे तो हम सबको सवाब मिलेगा। वो तो ठीक है अश्मत चाचा, लेकिन किसी को पता चल गया तो क्या? बोल देना महाजिर पठान इत्तेहाद हो गया, दोनों कौमें मिलके मुल्क कौम की खिदमत कर रही है। और वैसे भी तुम लोगों की नीयत तो साफ है ना? नीयत साफ है? हाँ अब्बा, मेरी तो साफ है। और तुम्हारी? हम तो कल हुसल दे के आए हैं। किसको हुसल दे के आए? मैयत को। अरे मैयत नहीं भाई, नीयत की बात कर रहे हैं, नीयत की। इससे हो जाएगा? हाँ अब्बा है तो समझदार। पता नहीं किस लेवल का समझदार है। चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से। अश्मत चाचा, ये तो नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा क्योंकि नकली है, जाहिल आदमी, और असली गन के ऐसे चेक करोगे किसी पे रखकर, बेवकूफ कहीं के। जाओ यहाँ से। ये है हमारे शोरूम का सबसे बेहतरीन पीस, 2022 की मॉडल और 2023 की रजिस्ट्रेशन, जनरल कलर, और 4 हॉर्स पावर की ताकत है इसमें। 4 हॉर्स पावर? मेरा मतलब कि 4 घोड़ों की ताकत है, 4 घोड़ों की ताकत, और ये ज्यादा चलावा भी नहीं है, फर्स्ट ऑनर है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि यही चला फिर, यही चल फिर के पड़ा हुआ है। मुझे तो लग रहा है मैं किसी गाड़ियों के शोरूम में आ गया हूं। यार तू गाड़ियों को शोरूम ही समझे ना, मतलब 80 लाख का जानवर, 80 लाख की गाड़ी। 80 लाख? हाँ तो आप 80 लाख का खरीदेंगे तभी तो मैं भी 80 लाख की गाड़ी लूंगा ना। क्या मतलब? और इसको देखे ना, जवान है, यंग, 2 दांत का ये। भाई मैंने तुमसे कहा था जिस जानवर के 6 दांत हैं, 4 तोड़ दो, तोड़ दिए इसके। अश्मत अश्मत, ये क्या कह रहे हो तुम? ये अच्छा वाला दिन तुम आ गए। ये बताओ, जो बेसन का पानी बनाया था सब जानवरों को पिला दिया? बेसन? हाँ, वो जो मसल्स के इंजेक्शन थे लगा दिए। इंजेक्शन? ये क्या कह रहे हो? अरे भाई, जो काम किया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ बस यही बात थी खाली। वैसे आप लोग है कौन? अरे भाई, मैं इस कैटल फार्म का मालिक हूँ, अश्मत जी, देख रहे मेरे नाम पे बैनर लगा है, अश्मत कैटल फार्म मेरा ही। और ये सब? ये गाय का ख्याल रखता है, 2 गाय की मासी आया, केयर टेकर समझ लीजिए। मैं केयर टेकर?
गाय से मोहब्बत करते हो हाँ? उनका ख्याल रखते हो हाँ? हाँ तो यही होता है केयर टेकर, और क्या होता है केयर टेकर। अगर ये आपका फार्म है तो आप अपने जानवरों की खामियां क्यों बता रहे हैं? बस बेटा मेरी नियत है कि कारोबार में फायदा ज्यादा हो या ना हो ईमानदारी से करना चाहिए, अपने माल में जो भी खूबी है खामी है अपने कस्टमर को बता दे। ये क्या कहते जा रहे हो तुम? अरे भाई अलाउद्दीन संभालो अपने आप को, हौसला रखो जरा। हाँ मगर चाचा ये तो 80 लाख का बता रहे हैं। 80 लाख? हाँ 80 हजार का जानवर नहीं 80 लाख बोल रहा है। 80 हजार? अलाउद्दीन असल में ना ये जानवरों को पैसे में तोल नहीं सकता, बहुत मोहब्बत करता है ना। आज तुम एक काम करो अंदर कमरे में जाके आराम करो, लीमू पानी पियो, लीमू पानी। मैं आता हूँ जाओ। 80 लाख? 80 हजार? तो फिर चाचा दिलवा दो 80 हजार में। हाँ भाई। नहीं आप तो कह रहे थे आपका फार्म है। असल में मैं मालिक जरूर हूँ लेकिन मेरा सेल्स वालों से डील है, इनकी मर्जी के बगैर मैं कोई जानवर बेच नहीं पाऊंगा। 20 हजार बढ़ा देता हूँ। 20 हजार बढ़ा रहा हूँ, फिक्र हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं किसी शुरू नहीं बेचूंगा। नहीं मान रहा बेटा। फिर 2 बढ़ा देता हूँ। 2 लाख? नहीं नहीं 2 हजार। 2 हजार और कह रहे हैं? नहीं 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 बेटा, लाला चाचा इनके दिल में ये नहीं मानेंगे। आप एक काम करो, बराबर में नसीम कैटल फार्म में वहाँ चले जाओ, मेरा नाम लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है चाचा। बेटा मेरा नाम लीजिएगा आप। लीजिएगा क्या? आपने क्या किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कस्टमर आएंगे जिनके साथ मेरा कमीशन फिक्स है, तुम उससे पहले अपना जानवर बेचने के चक्कर में लग गए। आपने मेरा क्लाइंट खराब किया ना, मैं अभी आपके सारे क्लाइंट खराब करूंगा, देख लेना। देख लेंगे, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। यस। सारा क्लाइंट खराब करेंगे ऐसी की तैसी। भाई क्या कर रहे हो यार? चल निकल, शेरी निकल, नाम लेना जरूरी है। चल पीछे पलट के नहीं देख। जी जी पैसे कैश लेकर आइएगा। जी हाँ कैटल फॉर्म पे आते ही आपको मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जानवर रेडी है, आ जाइए आ जाइए। यार अशमत कौन है यहाँ पे यार? जी जी मैं हूँ अशमत, फरमाइए। अशमत साहब आपके कैटल फार्म के दरवाजे में मुझसे कैश छीन लिया यार। क्या बात कर रहे हैं, कितना? 50 लाख रुपए यार। 50 लाख? या खुदा क्या होगा, 50 लाख रुपए छीन लिया आपसे। साहब 50 लाख रुपए मुझसे छीने, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा मैं यहाँ कमीशन पे काम करता हूँ, आप 50 लाख का जानवर खरीदते 10% के हिसाब से, मुझे 5 लाख मिलता, मैं अपनी बिटिया का इलाज कराता, लेकिन अब मेरी बिटिया का इलाज नहीं हो पाया। किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, इतनी जानवर इतनी सब चीज़ें आपके नाम पे कैटल फार्म है, आपको कमीशन मिलेगा? नहीं नहीं बेटा, मालिक तो ये लोग हैं, मुझ बूढ़े का नाम और तस्वीर कैटल फार्म पे छाप दी है, तनख्वाह नहीं देते, कहते जानवर बेचोगे तो कमीशन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता, मेरी बिटिया का इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सब्र करें, अभी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। आप एक काम कीजिए, मेरा फोन ले लीजिए। अच्छा। कि मार्केट में 80,000 से 1 लाख का निकल जाएगा, पर दुआ कीजिएगा मेरे लिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा NIC की कॉपी मिल जाएगी आपकी? वो किस लिए? बेचने में आसानी होगी ना। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे सिम कार्ड भी दे दीजिए। वो डुप्लीकेट निकलवा लेना। नंबर मेरे? वो गूगल ड्राइव में होंगे, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ कॉपी। ये क्या था? हमारी कौन सी बहन है? हाँ एक बहन है, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। अच्छा हुआ आपने मेरा क्लाइंट भगाया था, अच्छा हुआ आपका क्लाइंट भी लुटा। ये क्या देख रहे हो? हाँ मोबाइल। 80 हजार का है, जानवर मिल बेचा, ये भी आ गए, इसे कहते हैं प्रॉफिट। हमारा क्लाइंट कब होंगे साले? क्या करने? अशमत चाचा ने बोला नहीं था गरीबों में बांटो? सही कह रहा है यार, मैं तो कह रहा हूँ बांट देते, थोड़ा अपने पास भी रख लेते हैं। हाँ दोनों का भला भी हो जाएगा, गरीबों का भी। हाँ भाई क्या है ये? पैसे हैं। किसके हैं? मेरे नहीं है। तुम्हारे? नहीं मेरे नहीं है। पक्की बात है तुम दोनों के नहीं? हाँ, हमारे नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो गए, वैसे भी गरीबों को ही देने थे। हाँ भाई। रोक, रोक! निकाल निकाल निकाल। अबे तू तो निकाल ले पहले। तू हमें बता दो। निकाल पैसे निकाल। मोबाइल नहीं, मोबाइल में पैसे निकाल, पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास, वरना हमारा को गाजर नहीं मिलेगा। गाजर? ओ गाजर नहीं, अजर। हाँ अजर अजर, पैसे निकालो जल्दी करो। पैसे नहीं मेरे पास। ओए अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, मैं बता रहा हूँ पुलिस में मेरा भाई, एक एक को नहीं छोड़ो। अबे तू पुलिस को भरम करा लो। अबे तू हमें नहीं जानता,
अपनी हाथ लगाना, मुझे मैं बता रहा हूँ। चल चल उस पानी का। हशमत, हशमत, कौन है हशमत? मैं हूँ हशमत, जो भी सौदा होगा सिर्फ मुझसे होगा। जोजी, ले चलो इसको। हाँ? इसी कैटल फॉर्म में तेरी कबर कर दूँ। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? हम हशमत को लेने आए, इसके गैंग ने हमारे 25 लाख रुपए लूटे हैं। हाँ? ले जाओ ले जाओ। एक मिनट, मैं जानता हूँ हशमत तुम ही हो। हाँ जोजी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू। तारे जमीन पर, देखा ये होती है सेटिंग। क्या चल रहा है? तुम्हारे बच्चे डकैतियां कर रहे हैं, लोगों के पैसे छीन रहे हैं। मैं नहीं जानता। अरे अब क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा शहरी। हाँ ये जानता हूँ, ये मेरा बेटा, ये डकैतियां कर रहे हैं, ये बात मैं नहीं जानता। अबे भाई, खुद ने तो बोला था जो लोग जानवर के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते, ज्यादा नुमाइश करते, उनसे पैसे छीनो, गरीबों में बैठो, सवाब मिलेगा। ये मैं वैसे ही एक बात कह रहा था, इन लोगों ने शुरू कर दिया, ये मुझे नहीं पता था। और अगर ये लूट रहे हैं तो पैसे भी इन्हीं के पास होंगे, कहाँ है पैसे? वो तो गरीबों में बांटती है। लानत है इन जैसे नौजवानों पे जो लूटामारी के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। चलो एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इससे पहले भी एक शख्स आया था जिसके 50 लाख रुपए लूटे थे। हाँ वो 50 लाख का है, वो तो जोजी ले गया था। जोजी कहाँ गए पैसे? मैंने गरीबों में बांट दिए। लानत है उन गरीबों पे जिन पे 75 लाख बढ़ गए और वो खत्म ही नहीं होके दे रहे। वैसे जावेद भाई, आपकी हैसियत से लग नहीं रहा कि 25 लाख आपके पास होंगे, आए कहाँ से? मेरा भाई पुलिस में है। अच्छा अच्छा, भाई पुलिस में, आराम की कमाई है। मेरा भाई पुलिस में है, अगर कोई फालतू बात की तो पकड़वा दूंगा उससे। अच्छा ऐसे कह रहे थे, ये मैं मतलब नहीं समझा था आपका। ठीक है, आप लोग जा सकते। चलो एक मिनट। तारे जमीन पर। अशमत चाचा बहुत शुक्रिया, ये आपकी अमानत। लानत, अब तुम भी चलो। मेरे ख्याल में आपके दोनों हाथ मसरूफ है, आप इनको लेके निकले, मैं पीछे बाइकिया पे आता हूँ। मैं ले चलता हूँ तुम्हें दोनों। लेडीज पुलिस नहीं है? लेडीज पुलिस, वो क्यों? ऐसी माहौल बन जाता। माहौल तो हम बनाते हैं ना। चलो एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी तफ्तीश में झोल नजर आ रहा है। कैसा झोल? देखिए, एक डकैत महाजिर है, एक डकैत पठान है, ये ग्रुप ही नहीं बन रहा कोई। महाजिर पठान इत्तेहाद हो गया, मिलके डकैतियां कर रहे हैं दोनों। क्या बात कर रहे हैं, महाजिर पठान एक हो गए? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कराची का देरीना मसला हल हो गया भाई, माशाल्लाह। अब कोई औरंगी तोरंगी का फर्क नहीं रहा, अब बनारस भी जा सकते हैं, गुलजार हिजरी भी जा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। अब मेरे ख्याल में दुआ हो जाए, सब लोग अपने हाथ ऊपर कर ले, आंखें बंद कर ले, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, या अल्लाह महाजिर पठान का इत्तेहाद कायम रखे, आमीन। या अल्लाह पठानों को गुटके पे लगा दे, आमीन। या अल्लाह महाजिरों को निस्वार पे लगा, आमीन। या अल्लाह ऐसी मिनी बस बना जिसका ड्राइवर पठान हो और जिसका कंडक्टर महाजिर हो, आमीन। या अल्लाह और तमाम लोगों की कौम के अंदर इत्तेहाद कायम, आमीन। या अल्लाह, ये आवाज दूर से आ रही है, हिम्मत कहां गया? अब तो भाग गए। भाग गए? अब मैं भागूंगा।